क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर वन, चैप्टर वन पे ये पेज नंबर थ्री पे, पेज थ्री पे ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। हमने पढ़ा एनीथिंग विच हैव स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो इसने ये कुछ एग्जांपल दिए, पूछा इनमें से मैटर कौन है। तो सबसे पहले चेयर, यस। एयर, यस। एयर बलून में भरी जाती है, स्पेस एक्वायर करती है और वजन भी होता है। हम एलपीजी सीएनजी सब एयर के फॉर्म में वेट करके लेते हैं। लव, नो। स्मेल, नो। हेट, नफरत, नहीं। ऐसी कोई भी फीलिंग मैटर नहीं है जिसमें मास ना हो। ऑलमंड, यस। थॉट्स, विचार आपके, नहीं। कोल्ड, ठंड। कोल्ड, अच्छा ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक कंप्लीट, यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम, सिर्फ स्मेल होता तो नहीं, परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल परफ्यूम के पार्टिकल्स की वजह से है, तो पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम मैटर है। सिर्फ स्मेल कहेंगे तो मैटर नहीं है, स्मेल ऑफ परफ्यूम कहेंगे तो मैटर है। ये जो लास्ट वाला है इसमें जो टीचर्स हैं स्कूल के वो अपने अकॉर्डिंग इसे यस और नो में रखते हैं, तो ये आपके क्लास टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं हम कि उसे यस पे टिक करेंगे या नो पे। तो एग्जाम से पहले अपने पर्सनल क्लास टीचर से पर्सनली पूछना कि वो किसे सही करेंगे स्मेल ऑफ परफ्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट है, स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। गर्म खाने की खुशबू आपको कुछ मीटर दूर तक ही आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू के लिए आपको नजदीक जाना पड़ता है। रीजन पूछा है, तो रीजन गर्म खाना और ठंडा खाना सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मोशन ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और इसलिए स्मेल जो है वो दूर तक पहुंच जाएगी। ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाई एंड पार्टिकल मूव्स विद ग्रेटर स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्ट, hence we can smell the hot sizzling food reaches several meter away। इसमें जो मैंने बोला आप इसे वीडियो रोक के लिख भी सकते हो बाद में, अदरवाइज मैं तुम्हें आंसर इसका दिखा देता हूँ ताकि वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर को नोट भी कर सको। द स्मेल ऑफ, तो वीडियो पॉज करो और उसके बाद आप ये आंसर जो है फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर जो अभी हमने समझाया है आप इसे नोट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। कोई डाइवर है वो स्विमिंग पूल के अंदर जंप करके वाटर को कट करता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वर शोज। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर शो करता है। पहला कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने पेंसिल से लिखी, आप इसे नोट करना जरूरी है, पार्टिकल ऑफ वाटर आर लूजली पैक्ड, दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। अब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसने बुक में लिखी है ये तो सॉलिड में भी है, तो सॉलिड के पार्टिकल भी कंटिन्यूअस नहीं है, उनके बीच में भी स्पेस है, लेकिन जो डाइवर है वो सॉलिड के को ऐसे कट करके उसके अंदर नहीं जा सकता, वाटर के अंदर ही जाता है। उसका रीजन क्या है कि वाटर के पार्टिकल लूजली पैक्ड है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर
एंड पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट फिर आपका पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस है, चैप्टर हम कर चुके हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ डेंसिटी की डेफिनेशन दी है, व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये फॉर्मूला दे दिया डेंसिटी का, यानी वॉल्यूम कम और मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा। कह रहा है ये जो नीचे ये चीजें दी है एयर और एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी हनी वाटर, इन्हें डेंसिटी के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग लिखो। यानी सबसे पहले हल्का, सबसे कम डेंसिटी जो सबसे हल्का होगा, लाइट होगा वजन में, तो सबसे लाइट कौन है, एयर है। एयर से हैवी एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी के बाद कॉटन, कॉटन के बाद वाटर, वाटर के बाद हनी, उसके बाद चोक और सबसे भारी है आयरन। कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप ये समझ सकते हो, हल्के से भारी की तरफ आपको टेबल बनानी है। तो एयर एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, यानी चिमनी से जो हवा निकलती है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, अनबर्न पार्टिकल्स, इसलिए उसका वजन एयर से ज्यादा है। फिर कॉटन, इन सबसे भारी है, कॉटन से भारी है वाटर, वाटर से भारी शहद, शहद से भारी चोक और चोक से भारी है आयरन। नेक्स्ट है कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, ये कुछ टॉपिक है, रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी हार्डनेस, कंप्रेसिबिलिटी, आप किसी चीज को कितना कंप्रेस कर सकते हो, ये एबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी है। फ्लूडिटी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर कितना फ्लो करता, बह सकता है फ्लो, उसे फ्लूडिटी कहते हैं। फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल करने की प्रॉपर्टी, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सब टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर है, देखते हैं आंसर नोट कर, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये नोट कर सकते हो बेटा। डिफरेंसेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेबल की फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस हम लिख रहे हैं किस बेस पे, ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ी है, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिफ्यूजन, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। तो स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन यानी किस व्यवस्था के अंतर्गत वो एक दूसरे के नजदीक रखे हुए, कैसे वो रखे हुए हैं, मोस्ट क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में सारे पार्टिकल बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के, तो मोस्ट क्लोजली पैक्ड, जबकि लिक्विड में पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा लेस क्लोजली, मतलब सॉलिड के पार्टिकल से थोड़ा सा दूर दूर रखे हुए हैं, और गैस में पार्टिकल्स आर एट सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूरी पर रखे हुए हैं। शेप, सॉलिड की शेप क्या है, डेफिनेट यानी फिक्स शेप, डेफिनेट शेप। लिक्विड, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर, दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। गैस, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं है, अगर इसे ओपन कंटेनर में डालोगे तो ये उस कंटेनर से बाहर चली जाएगी, हाँ अगर क्लोज कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर की शेप को गैस एक्वायर कर लेगी। वॉल्यूम, सॉलिड है फिक्स, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट है, बट गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स, गैस का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं है। डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कुछ कम है, लेस डेंसिटी देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस, गैसेस से ज्यादा, गैसेस हैव द लेस्ट डेंसिटी, और गैस की डेंसिटी क्या है, सबसे कम है। डिफ्यूजन, सॉलिड हैव नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज, यानी एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड रखेंगे तो जो डिफ्यूजन की टेंडेंसी है सॉलिड की बहुत बहुत कम है, यहाँ नो लिखा हुआ है, वेरी वेरी, कई हजार सालों में एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज होगा। लिक्विड में टेंडेंसी धीरे स्लो है, और गैस की टेंडेंसी तो बहुत हाई है, एक गैस दूसरी गैस में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी।
रिजिडिटी हार्डनेस, सॉलिड बहुत रिजिड है, रिजिड मतलब हार्ड, और लिक्विड फ्लूड फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करती है, इसलिए से लिखा है फ्लूड। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड नेग्लिजिबल कंप्रेस, लिक्विड वेरी लो कंप्रेसिबल एंड गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, सॉलिड के जो पार्टिकल है एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लिक्विड के लेस देन सॉलिड और गैस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल में बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, वो अपने पोजीशन पे आगे पीछे हिलते रहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन शो करेंगे सिर्फ। लिक्विड में ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, हार्ड, जो फ्लेक्सिबल ना हो, बेंड ना हो सके, उसे रिजिड कहेंगे। सॉलिड आर रिजिड नेचर बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने टॉपिक का उनकी डेफिनेशन दे रहे हैं हम। कंप्रेसिबिलिटी, ऊपर वाली बात लिखी है, एबिलिटी टू कंप्रेस, सॉलिड हैव लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, cannot be compressed much, but gas can be compressed easily. Next है fluidity. Fluidity means tendency to flow. Flow करने की tendency को ही fluidity कहते हैं. एक vessel और container is required to keep liquid and gases, both are fluid. Liquid और gases दोनों fluid हैं. इन्हें रखने के लिए कोई बर्तन, कोई container उसकी जरूरत होती है. फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैस कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, गैस किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है। शेप, सॉलिड है फिक्स शेप, लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप। काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोसेस लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड में ज्यादा है और गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, गिव रीजन, गैस फिल कंप्लीटली वेसल इन इट कैप। ऊपर हमने पढ़ा कि गैस को अगर किसी वेसल में, किसी बर्तन में रखेंगे तो उसे पूरी तरह से भर देती है। कारण क्या है? कारण ये है कि गैस के जो शेप है वो फिक्स नहीं है। गैस हैज नाइदर फिक्स शेप नोर ए फिक्स वॉल्यूम, ना तो गैस की शेप फिक्स है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है। पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली इन रैंडम मैनर, एक्चुअली गैस, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा, गैस के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, पार्टिकल एक दूसरे को बांध के नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते इधर से उधर, और जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसके अंदर हर तरफ फैल जाएंगे, उसकी दीवारों के ऊपर वो स्ट्राइक करेंगे और कंटेनर को पूरी तरह से भर देंगे। हम मानेंगे कंटेनर में हर जगह वो गैस प्रेजेंट है। पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली इन अ रैंडम मैनर एंड एज्यूम द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट फिल्ड। आप इसमें रीजन लिख सकते हो, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस इज वेरी वेरी लेस, ये इसका मेन कारण है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन बनता है वो देखना, सेकंड आपका क्वेश्चन है गैस कैन एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये तो हमने फर्स्ट में पढ़ा कि गैस कंटेनर को पूरी तरह से भर लेती है, अब उसकी दीवारों पे गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो कैसे करती है? इस चीज को समझने के लिए आप समझो बेटा, गैस के पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, तो गैस, जैसे फर्स्ट पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया, गैस के पार्टिकल वेसल के जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनसे जाके टकराएंगे, और टकराएंगे तो उस पर क्या है, प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव फ्रीली इन अ ज़िगज़ैग मैनर, आगे पीछे इधर उधर पार्टिकल मूव करते हैं बहुत स्पीड से। दे कोलाइड विद ईच अदर, वो आपस में भी टकराते हैं, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं।
बम्बार्डमेंट और यही टकराव किसका गैस मॉलिक्यूल का, कहां पे, दीवारों पे, किसके कंटेनर की, एग्जर्ट ए स्टेडी फोर्स, वो दीवारों पे फोर्स एग्जर्ट करता है और जिसकी वजह से वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर ऑफ दी गैस, गैस के प्रेशर के लिए जो वो गैस दीवारों पे लगाती है। एज्यूम कर सकते हो गैस के पार्टिकल रेंडमली इधर से उधर मूव करते करते लगातार कॉन्स्टेंटली वॉल ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करते हैं, बम्बार्ड करते हैं और ये इसी वजह से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। क्लियर है? थर्ड देखो, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। लकड़ी की टेबल को हम सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि सॉलिड का फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, नॉन कंप्रेसिबल, रिजिड, तो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी वुडन टेबल शो करती है, इसलिए हम वुडन टेबल को क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। फोर्थ है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। हवा में तो अपने हाथ हम आराम से इधर उधर घुमा लेते हैं, लेकिन अगर लकड़ी का कोई ब्लॉक है उसके थ्रू हमें, यानी उसको तोड़ के निकलना हो, तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। क्या कारण है? एयर के जो पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है, इजीली हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। बट वुड सॉलिड है, उसके पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये सी और डी दोनों पोर्शंस के आंसर हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। वुडन टेबल हैज डेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हेंस इट इज सॉलिड। और फिर सेकंड जो फोर्थ था, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ सॉलिड, हेंस वी कैन इजीली मूव। इसने सिर्फ स्पेस की बात कही है, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल भी डाल देना, ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा कि गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वेरी लेस है, सेपरेट करना इजी है, बट इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल आर वेरी वेरी लार्ज, वी कैन नॉट इजीली सेपरेट देम। ये साइंटिफिकली और ज्यादा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इसी पेज पे, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपेरिजन में कम है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वॉटर, फाइंड आउट व्हाई। लेकिन बर्फ पानी पर तैरती है और जिसकी डेंसिटी कम है वही चीज फ्लोट करती है, तो वॉटर और आइस के केस में आइस की डेंसिटी कम है, जबकि सॉलिड और लिक्विड देखें तो लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है, तो ये डिफरेंट क्यों है, ये चीज समझने की जरूरत है। देखना बेटा ध्यान से, साइंटिफिकली आपके बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं है। लिक्विड वॉटर एंड आइस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लिक्विड वाटर दो हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बनते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाती है, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। आइज एग्जिस्ट इन केज लाइक स्ट्रक्चर, जबकि आइज एक केज की तरह से, केज इस तरह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है आइज। ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नॉट क्लोजली पैक्ड, और केज लाइक स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल इस कोने पे, एक मॉलिक्यूल इस कोने पे, कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से दूर दूर हो जाएंगे। तो लिक्विड फॉर्म में तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन आइस बनाने के लिए वो ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ बना के दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाएंगे, वैकेंट स्पेस जो है इंक्रीज हो जाएगी, किस केस में, आइस के केस में, और इसी वजह से आइस की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइस के केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वॉटर, ड्यू टू दिस आइस फ्लोट ऑन दी वॉटर। आइस सॉलिड है फिर भी उसकी डेंसिटी लिक्विड वॉटर से कम है, क्योंकि आइस में स्पेशल तरह से वॉटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाउंड है, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? केज लाइक, और केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन जो है, गैप जो है वो बढ़ जाता है, जिससे डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 9 के क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर
टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन है, हमने डिस्कस किया था कि केल्विन में से अगर 273 माइनस कर दोगे तो सेल्सियस आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रख लो। तो केल्विन में टेम्परेचर है 273, आप इसमें से माइनस कर दो 27 डिग्री बचता है, यही आपका आंसर है। 573 है, इसमें भी 273 माइनस कर दो 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 पे वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, आप इसे चेंज करोगे, गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दोनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड पे भी और गैस पे भी। हमने एक्टिविटी जब चैप्टर किया था, स्टेट जब चेंज कर रहे थे तो वाटर का टेम्परेचर, लिक्विड वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, 100 से ऊपर नहीं जाता है, यानी 100 पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट भी है वाटर और गैस भी, जो गैस बन रही है उसका टेम्परेचर भी 100 है और जो लिक्विड वाटर है उसका टेम्परेचर भी 100 है। और इसी तरह से अगर हम सी एक और क्वेश्चन पूछे 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 पे आइस यानी सॉलिड स्टेट भी है और 0 पे वाटर लिक्विड स्टेट में भी है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रही है, आइस जब वाटर में बन रही है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक्टिविटी आपने ध्यान दी होगी उसमें लेटेंट हीट जब हमने पढ़ा था उसमें ये चीजें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब वही क्वेश्चन आ गया जो हमने इसमें अभी डिस्कस कर रहे थे, लेटेंट हीट। कोई भी सब्सटेंस है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, कब, जब स्टेट चेंज हो रही है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जब सॉलिड से लिक्विड आता है जैसे आइस वाटर में, या लिक्विड से गैस जैसे वाटर वेपर में, जो भी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जो भी हम हीट देते हैं वो यूज हो जाती है किस चीज में, चेंजिंग द स्टेट, मैटर की स्टेट चेंज करने में। कैसे, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। मीनिंग समझो, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस फोर्स को ब्रेक करेंगे, मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तभी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और वो एक दूसरे से दूर जा पाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। सेम ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो एक दूसरे से और ज्यादा दूर जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट होंगे। तो जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी इज नीडेड टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है उसमें ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। और इसीलिए इस दौरान, इस टाइम पीरियड में जो हम एनर्जी देते हैं, जो हीट देते हैं, उसे लेटेंट हीट कहते हैं, क्योंकि लेटेंट हीट छिपी हुई होती है, हिडन होती है इन द कंटेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, मैटर के पार्टिकल के अंदर। फोर्थ, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस। एटमोस्फेरिक गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, बाय कूलिंग और बाय कंप्रेसिंग, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बुक में मार्क किया था हमने। वी कैन लिक्विफाई द गैसेस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, बोथ कूलिंग एंड कंप्रेशन से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 10 के क्वेश्चन स्टडी करते हैं। व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखो बेटा, जिन बच्चों ने कूलर देखे हैं उन्हें पता होगा, अगर बाहर धूप है, गर्मी है, तो कूलर की हवा ज्यादा ठंडी है, और अगर बारिश का मौसम है तो कूलर की हवा ज्यादा ठंडी नहीं है। ऐसा क्यों, कूलर के दो तीन साइड में जालियां लगी हैं, उसके ऊपर ग्रास लगी है ड्राई, उस पे पानी जो गिरता है वो वाटर हीट की वजह से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो कूलर के अंदर की एयर से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कूलर के अंदर
जो है वो कूलिंग हो जाएगी और उसी ठंडी हवा को पंखा जो है आगे फेंक देगा। तो सारा किस पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन पे। और अगर इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है? हीट पे। हीट कब ज्यादा है? जब हॉट ड्राई डे, हॉट गर्मी ज्यादा है, ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है, गर्मी ज्यादा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो कूलिंग बढ़ेगी। अगर बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा और कूलिंग नहीं होगी। तो इसी चीज को देखो कैसे लिखा, नोट करो। द ह्यूमिडिटी दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज लेस। ड्राई का मतलब, यहाँ जो ड्राई शब्द लिखा है इसका मतलब यही है कि ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इन द एयर इज लेस ऑन अ हॉट ड्राई डे। स्मॉलर द ह्यूमिडिटी मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ऑल्सो हायर द टेम्परेचर। हॉट का मतलब है हायर द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन सिंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर ऑन अ हॉट ड्राई डे, डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर। इसी वजह से डेजर्ट कूलर गर्मी में ज्यादा ठंड पैदा देता है, जबकि बारिश के मौसम में या ह्यूमिड जो मौसम है उसमें वो ठंडी हवा नहीं देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज वॉटर कैप्ड इन अर्दन पोट। अर्दन पोट मतलब मिट्टी के मटका, मिट्टी का जो मटका है उसमें जो पानी रखा हुआ वो ठंडा कैसे हो जाता है, ये पूछा हुआ है। सेम सारा फिनोमिना फिर इवेपोरेशन का, इसका आंसर भी इवेपोरेशन है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के टाइम वाटर जो मटके में रखा हुआ है वो लगातार इवेपोरेट होता है। कहाँ से? मटके के अंदर जो फाइन होल्स है, फाइन पोर्स इन द अर्दन पोट, उसमें से वाटर सरफेस पे आता है, आपको दिखाई नहीं देगा। मटके के अंदर बहुत बारीक छेद है जिनमें से वाटर सरफेस पे आ जाता है और इवेपोरेट होता है। सिंस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है और अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड। ये हमने एनसीईआरटी से किया था कि पेट्रोल, परफ्यूम, नेल पॉलिश रिमूवर हथेली पे डालने से ठंडा क्यों फील होता है? क्यों? क्योंकि जो एसीटोन है, पेट्रोल है, परफ्यूम है, ये पार्टिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, हमारे हथेली से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, और हमें मालूम है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। फोर्थ, हम व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सुसर रेदर देन कप। अगर आपको चाय दे दी मम्मी ने, गर्म चाय, आप लेट हो रहे हो तो आप उसे प्लेट में डालोगे और फटाफट पी जाओगे। तो सुसर मतलब जो कप के साथ प्लेट मिलती है उसे सुसर कहेंगे, उसमें डाल लेंगे, उसमें से आराम से जल्दी फास्ट पी लेंगे। पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है? इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है बेटा, जो चाय है मिल्क या टी, उसको जब सुसर में डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड हॉट टी मिल्क मोर इन सुसर देन इन कप, और जिसकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट होगा। इवेपोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग ज्यादा होगी, और कूलिंग ज्यादा होगी तो हम आराम से उसे पी पाएंगे, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? समर में हमें कॉटन के कपड़े, कॉटन क्लोथ्स। क्यों? कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये वाटर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा वाटर? हमारे जो स्वेट से प्रेसपायर, हम पसीना जो हमारा आता है, गर्मी में हमें बहुत ज्यादा पसीना आएगा, उसको ये कॉटन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब द स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर, और इस एटमोसफेयर में एक्सपोज करेगा, अपर सरफेस पे आ जाता है और इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने से कूलिंग होगी, और इसी वजह से हम जो है हमारी बॉडी जो है वो ठंडा फील करेगी। इसलिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ हमें समर में पहनने चाहिए। क्लियर है?